Today, our chapter is work, energy, and power. और जब आप लोग पूछते हैं ना, जब आप छोटे छोटे बच्चे जब पूछते हैं किसी कुशल क्षेम ना, तो रियली जिंदगी में इतनी खुशी मिलती है कि भगवान के मंदिर में जाकर के नहीं मिलती बेटे। ऐसे कभी भी मतलब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हमेशा जिंदगी में ऑनेस्ट आदमी बनो, ऑनेस्ट। ये जो मैं 7 दिन बाद आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं 5 दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, इतने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी में 33 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया है, लेकिन ये सबसे कल्प्रिट अगर आज समाज में कोई है वो डॉक्टर और मास्टर। इनके कारण हम जैसे ऑनेस्ट टीचर पे भी बदनामी का दाग लग जाता है। इसलिए हमेशा जिंदगी में सेवा भाव पहले होना चाहिए, याद रखिएगा। मैं तो आज भी मैं करता हूं, आप ये देखिएगी मुझे 6-6 महीना 1-1 साल हो जाता है, मैं फीस के लिए किसी को नहीं बोलता हूं। और आप हॉस्पिटल में परसों घुसा हूं, वहां पहले फीस सही, आदमी मर रहा है जी रहा, उनको कोई मतलब नहीं है सानों को। और छोटे छोटे बच्चे कितना पैसा दें आपके अंदर, तो थैंक यू वेरी मच आपका नाम फॉर आस्किंग दिस ऑल। और ऐसे ही हमेशा लोगों को पूछ के क्या होता है, आधे जिंदगी के गम खत्म हो जाते हैं, ये याद रखो। सो नाइस बेटे, अब आप आ जाएगा वॉक। ऑर्डिनरी लैंग्वेज वॉक में मींस ऑलमोस्ट एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। अगर किसी को आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें कि वो क्या बताएगा आपको, फिजिकल और मेंटल वॉक। मानसिक जो आपका हुआ और जो शारीरिक आपका श्रम हुआ वो करने में, क्योंकि काम करने में आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं जो आपने खाना खाया है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू जो कार्बोहाइड्रेट, और ये आप कहते हैं कि आपका इनटेक होती है आपका नाम, अब वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हो रही, लॉस हो रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी गेन होती है। इसीलिए फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को आपका मेंटल एक्टिविटीज इज नोन एज वर्क, इज इट क्लियर बेटे। लेकिन अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को वी विल सी दैट, अगर हम इसको देखेंगे तो ना वर्क इज डन, कोई भी वर्क हो गया है व्हेन ए फोर्स इज प्रोड्यूस मोशन। जब भी कोई फोर्स आपका मोशन को आपका प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, इसका मतलब वर्क हो गया है। ठीक, क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट होती है, हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, एक घोड़ा आपका कार्ट गाड़ी को आपका खींच रहा होता है, जो उसके पीछे लगा होता है आपका नाम देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज ऑल्सो डूइंग वर्क। इसका मतलब वो भी आपका क्या है कि काम हो रहा है, ठीक है ना, इट्स सेड टू बी डूइंग वर्क आपका हो गया। इज इट क्लियर बेटे? एंड मैन कोई आदमी आपका ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा है, आप बना देखो ऑफ ए हाउस,
also? Yeah, exactly. He is doing work. वो भी आपका क्या हो रहा है? काम हो रहा है. ठीक है ना बेटे? क्यों? In himself against the force of gravity. Doing work. समझ रहे ना? In moving himself. क्योंकि वो भी आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट है. क्लियर? द वर्क डन बाय अ फोर्स अप. जो वर्क डन है, जो फोर्स के द्वारा आपका क्या किया था हमने, कि जो मोशन को क्रिएट कर रहा था, मोशन को प्रोड्यूस कर रहा था, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी depends on two factors. ये दो factors पे आपका depend करता है. First, magnitude of a force. किसी भी force का परिणाम क्या है, magnitude क्या है, उसका output क्या है आपका नंबर. पर दूसरा, distance to which the body moves. कितनी दूरी है उस distance में कितनी body moves हो रही है. यानी कि कहने का मतलब आपका हो गया in the direction of force. force की direction में कितनी body आपकी move हो गई. Is it clear? Fine. So now the question. The magnitude of a force and distance through which the body moves. Means in the direction of the force. काम कर रहे हैं आप. काम करने में. काम करने का मतलब ये थोड़ा कि आप गधे की तरह काम कर रहे हैं. जो काम कर रहे हैं उसमें आउटपुट भी आपके निकलनी चाहिए. कौन सी दिशा में आप काम कर रहे हैं, कहां आप फोर्स लगा रहे हैं, ये चीजें आपके निर्भर करती है उसमें. इज इट क्लियर? फाइन. अब देखिएगा, ये छोटी सी बात हमने की. अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन आपकी फिजिक्स की है कि वर्क इज सेड टू बी डन वर्क इज सेड ऐसा कहा जाता है कि काम हो गया है when the point of application जब point of application of force moves वो move करता है. work done is moving. जो काम हो रहा है वो आपका मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस moved by a body in the direction of force. मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है, सपोज के लिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस जहां पे हम खड़े हैं. And we have an object here. ये कोई object है, कोई thing है हमारे पास. देखो आपका नजर, तो this is it. And we have to आपका नजर bring it here.
हमको ये यहां पे लाना है इसमें, फ्रॉम द ए पोजिशन टू अपन अप बी पोजिशन। मीन्स इसका मतलब इसको यहां से यहां आने में अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस इसको क्या करनी है, इट हैज टू ट्रैवल। भाई एक जगह से आप दूसरी जगह में तभी पहुंचेंगे व्हेन यू विल ट्रैवल, आइदर बाय वॉकिंग जॉगिंग मतलब ऑन फुट, या बाय यूजिंग एनी फोर व्हीलर टू व्हीलर सिक्स व्हीलर। बस का मतलब कह रहा हूं सिक्स व्हीलर, दिमाग में तो हमारे घुसा हुआ ना फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर। सरकार ने 20 लाख की गाड़ियां भी लगाई हैं 40 लाख की लोगों को सड़क पे इधर से उधर ले जाने के लिए। तो डेस्टिनेशन पॉइंट में फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट्स इफ वी आर वी मूविंग, अब गाड़ी है वो उसको भी तो फोर्स लग रहा है, आप एक्सलेट कर रहे हैं ना उसको, या हम भी एक प्लेस से दूसरे पैदल चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम भी तो फोर्स लग रहा हमारा ना, तो डिस्टेंस हम क्या करें ट्रैवल का। तो आपका देखो नाउ ए मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और वो कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है उसके प्रोडक्ट को आपका वर्क डन कहा जाता है। नाउ ए तो देखिए ए पोजीशन व्हिच इज नोन एज इनिशियल पोजीशन, जिसको हिंदी में इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, व्हाट इज दिस इनिशियल स्टेज वेयर इट इज सिचुएटेड नाउ एंड आफ्टर जस्ट ट्रैवलिंग अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस और अ लॉन्ग डिस्टेंस, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज रीचिंग हियर, दैट्स कॉल्ड द फाइनल पोजीशन। इट मींस दैट वर्क डन is equal to force which is exerted on the body and what a distance it is going to be traveled. So now this is distance and the abbreviation is W. Abbreviation is F or in token this is the S. आप इसको capital S नहीं लिख सकते, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। Work done is defined as the product of the force exerted in the body in how much distance it is going to be traveled. ठीक हो गया? तो ना हो। जी? Distance और displacement में क्या अंतर होता है? पता है? Displacement is the shortest distance. समझ गए? इसलिए तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी। आपका नाम देखो दिस इज तो द वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो नाउ इज इट क्लियर? और जेम्स जूल थे, जेम्स जूल ये ही वाज बोर्न इन 1818 एंड ही वाज डाइड इन 1889, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे हु स्टडीड इन विद लॉर्ड केल्विन के साथ और जॉन डाल्टन के साथ इन्होंने पढ़ा था। हिज एक्सपेरिमेंट शो दैट द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज ऑलवेज अकंपेन्ड बाय अ लॉस ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ही डिड्यूस दैट हीट इटसेल्फ, मतलब यहां पे टू फोर्स ऑफ एनर्जी इन्होंने इन्हीं के नाम पे जो है जूल बात को यूनिट रखी गई थी। तो ना अब मैं बात करूंगा यूनिट ऑफ वर्क डन। ये देखिए आपका ना यूनिट ऑफ वर्क डन ये फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इनटू एस डिस्टेंस मीटर, एमटीआर लिख दिया मैंने, एमईटीआर नहीं लिखा एमटीआर लिख दिया मैंने, क्लियर? इसको शॉर्ट में कैपिटल एन एम भी लिखते हैं आपका नाम होगा जैसे। तो इसी न्यूटन मीटर को इन सर के नाम पे जूल रखा गया, न्यूटन मीटर है जूल, याद रखिएगा ठीक है ना। द यूनिट यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर एंड दैट इज नोन एज जूल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन a force of 1 newton moves a body through a distance of 1 meter
ठीक है ना, इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज नोन एज वन जूल, देन द वर्क डन इज नोन एज योर वन जूल. ठीक है बेटे, तो नाउ वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर. तो जो अब ये जो जूल देख रहे हैं, दिस इज द एसआई यूनिट, या कि क्या, ठीक हो क्या? और वर्क डन, अगर वर्क डन की बात हम करें ना, तो ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक हो गया, पक्का है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया. अब इसी में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे आप. देखिए अब यहां पे जो आपका आ रहा है, आप जैसे कह रहे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला मैंने डिस्टेंस. तो देखो दोनों में फर्क क्या है. मैं एक आदमी है जो यहां से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, सपोज के लिए आपका देखो ये 3 किलोमीटर आपका जा रहा है, एंड अगेन ही स्टार्टिंग, आपका वो टर्न कर गया, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग आपका ना 4 किलोमीटर वो आपका ही इज रीचिंग टू द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे पहुंच गया. अब यहां से यहां गया, यहां से तो ये आपका वैसे क्या हो गया, 7 किलोमीटर हो गया. अब अगर वो डायरेक्ट यहां से सीधा एम से ये मैन आपका एंड डायरेक्शन में पहुंच रहा है, इस जर्नी को ट्रेवल उसने क्या किया, उसके लिए आपका कितना 5 किलोमीटर होगा. क्यों? पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो आपका ना तो ये देखो ये डायरेक्ट पहुंच गया, तो फोर्स इज इक्वल आपका जो आपने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आपका ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आप क्या ले रहे हैं. तो अगर आपका तो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल, इज इट क्लियर? ये है आपका ये लॉन्गेस्ट आपका जर्नी उसकी होगी, ये शॉर्टेस्ट जर्नी उसकी होगी, इज इट क्लियर? फाइन. तो इसलिए उसको डिस्टेंस ही लिखते हैं. अब वो तो समझाने के लिए हो गया कि डिस्प्लेसमेंट है या आपका नाम क्या है. इसके बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका काम करना, तो क्या हो गया, आपने जैसे ये बुक है ये यहां रखी थी, अब मैंने इसको क्या किया, आई हैव लिफ्टेड दीज बुक्स एंड जस्ट केप्ट ओवर माय पाम, अपनी हथेली पे मैंने रख दिया आपका नाम, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये मैं लिफ्ट कर रहा हूं, माय हैंड इज गोइंग अप इन द डायरेक्शन ऑफ आपका नाम अपवर्ड, इट मीन्स कि द फोर्स विच आई एम गोइंग टू बी अप्लाइड टू लिफ्ट दीज बुक्स, माय हैंड इज गोइंग अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी, मेरा हाथ क्या हो रहा है, समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, देन द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट. अभी थोड़ी देर रखने के बाद क्या हो जाएगा, यहां दर्द होने लग जाएगा, मसल्स में खींचने लग जाएगी ना, समझ रहे हैं? तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि whenever, जब कभी भी वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हम गुरुत्व के या गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हम अगर काम कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डेब्यूटी वर्क डन इज इक्वल टू equal to the product this is of weight of a body, उस body का weight कितना है आप बना देखो, and the
वर्टिकल डिस्टेंस जो आप ऊपर को लिफ्ट कर रहे हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना है थ्रो विद द बॉडी इज लिफ्टेड। सपोज दिस इज अ बुक, एक किताब है ये, ये वर्टिकल हाइट पे मेरे को सपोज के लिए मैंने एच डिस्टेंस ऊपर या एच हाइट पे एच मीटर की हाइट पे इस किताब को उठा करके मेरे को यहां पे रखना है तो इसमें इसका जो वेट ऑफ बॉडी होगी वेट ऑफ बॉडी को इट इज असाइन या डिनोटेड बाय स्मॉल है। क्लियर हो गया। जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं ये देखो एरो ऊपर को लगाएंगे देखो ऊपर ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं आई एम गोइंग या लिफ्टिंग जो भी आप कहें आई एम लिफ्टिंग द बुक अगेंस्ट ग्रेविटी। मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट किताब को ले जा रहा हूं। ग्रेविटी क्या होती है स्मॉल जी से आप डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसका मतलब वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बुक या बॉडी आप जो भी लिखे आपकी मर्जी है। यहां पे मैंने किताब को लेकर के ऊपर को जा रहा हूं तो ये आपका एच हाइट पे जा रहा है डिस्टेंस होगी। हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब आपका ट्रैवल करते हैं एस आपने जो लिखते हैं। अब मैं जब ऊपर को जा रहा हूं तो वो आपका एस नहीं होगा वो एच हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब जो होगा इक्वल हो ये क्या होगा यहां पे वेट ऑफ ए बॉडी एग्जैक्टली और इनटू वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट आपका जो डिस्टेंस तो वेट ऑफ ए बॉडी आपका क्या है जिसको आपका मास ऑफ द बॉडी बोला आपने जी एक्सेलरेशन लग रहा है अगेंस्ट जा रहा हूं और इनटू वर्टिकल हाइट। क्लियर हो गया। तो अगर कोई आदमी बुक अपने हाथ में अगर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब बुक का आपका क्या होगा वेट होगा आपका समझ रहे हैं तो नाउ तो धीरे धीरे क्या होगा आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी दैट कि द मसल्स विल बी स्ट्रेस्ड इनमें आपका खिंचाव आने लग जाएगा जबकि आपने यहां पे स्टैग्नेंट किया है किताब को यहां पे आकर के रोक दिया है लेकिन मसल्स क्योंकि बॉडी आपका वो जो बुक्स है उसका क्या वेट है चाहे वो मोशन में है या नहीं भाई ये आपका देखो ऐसे यहां से रखा मैंने कैसे रखा इज इट क्लियर समझ है तो वेट इन इज स्ट्रेस आपका है एंड कीप स्टैंडिंग ऑन द सेम पोजिशन है आपका देखो ना जबकि आपका देखो ऑल्दो देयर इज नो मोशन वहां पर आपका मोशन ही नहीं बट मैन फील्स टायर्ड कुछ देर बाद आदमी को या मुझे क्या होगा अनुभव होगा अरे मेरा हाथ तो थकने लग गया ना मेरी मांसपेशियों में खिंचाव आने लग गया है देयर इज सम स्ट्रेच इन आवर बॉडी मसल्स इन आवर हैंड्स मसल ठीक है ना इसका मतलब ये वर्क डन हो रहा है इसके क्या कारण है द वेट स्ट्रेस द मसल्स ऑफ द आर्म्स चेंजेस देयर शेप्स इसमें आपका देखो द हार्ट हैज टू पंप मोर ब्लड टू द स्ट्रेस मसल्स को देना पड़ेगा और मेरी केमिकल चेंजेस जो आएंगे कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस वो भी मेरी बॉडी के अंदर आपका आने लग जाएंगे। श्योर हो गया क्लियर हो गया तो ऑल दीज चेंजेस रिक्वायर्स एनर्जी समझ रहे तो ये ऑल दी चेंजेस इन सभी चीजों के लिए क्या है एनर्जी की आपकी क्या होती है जरूरत होती है याद रखिएगा एनहेंस वर्क इज डन बाय द मैन होल्डिंग द वे टू सप्लाई दिस एनर्जी। ठीक हो गया इसका मतलब एवरी चेंजेस इन्वॉल्व्स इन
स्पेशल नोट, जितने भी चेंजेस आते हैं एवरी चेंजेस इन्वॉल्व्स वर्क। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इट्स पोजीशन। कितनी स्पीड से आपकी जा रही है उसमें वेलोसिटी आपकी हो गई, उसका शेप आ गया, उसमें केमिकल कंपोजिशंस आ गया, टेम्परेचर आ गया, उसका कलर हो गया। आपने कहा ये तो रावत सर ने इनके दर्द, रावत सर का मुंह देखो लाल होने लग गया। वो लाल क्यों होगा? स्ट्रेस पड़ रहा ना बॉडी में, खिंचाव आ रहा है ना, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं ना, आपका ना टायर्डनेस आ रही है ना, वो सारी चीजें आपका ना, तो ये सारी चीजें आपके इसमें आती, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी में आती है। इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद अब आता है वर्क डन। By a force acting obliquely ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से obliquely इसको कहते हैं आकरण, जिसको slant कहते हैं वही आकरण slant height, मैथ में इसको slant height कहते हैं। ठीक है, अब आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा टॉय कार होती है उनकी, टॉय कार इसमें अब बच्चा क्या करता है, इसमें आपने हल्का सा एक छोटा सा थ्रेड लगा दिया, इसको आप खींच रहे हैं, टॉय का बचपन में आपने भी चलाई होगी, ये ऊपर का जो थ्रेड आप खींच रहे हैं हाथ से पकड़ के, हैंड से आपने इसको होल्ड किया हुआ है, द थ्रेड दैट इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये कार इधर आ रही है, दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में इंक्लाइनेशन भी है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब उसके बीच में आपका एंगल भी आपका बनना है, आपका ना देखो दिस इज दैट। तो क्या है कि बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स, आपका देखो ना, इज इट क्लियर? तो ना द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये देखिए आपका ना, व्हेन ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार, जब कोई भी बच्चा एक टॉय कार को आपका क्या करता है, खींचता है आपका ना देखो दिस, तो बाय स्ट्रिंग धागे से जो उसके साथ अटैच है आपका देखो ना, तो क्या हो जाता है उससे कि द कार मूव हॉरिजॉन्टल, कार आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल में आपका क्या कर रही, मूव ऑन द ग्राउंड। बट द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड, जो बच्चा उसमें आपका जो फोर्स लगा रहा है आपका देखो ना अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द थ्रेड, उससे आपका देखो ना हेल्प इन हिज हैंड मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड आपका देखो। इज इट क्लियर? फाइन। तो इसमें दो चीजें आपकी हो गई, व्हेन द चाइल्ड इज पुलिंग अ कार सो नाउ बाय हिज हैंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज डिनोटिंग एंड द कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, so now that is the direction of motion, is it clear? So the whole force F आपका हो गया ना, तो ये भी आपका एक example था। अब आपका देखो तो force आपका क्या हो जाएगा, इस समय आपका जो W हो जाएगा work done is equal F into cos theta into distance travel। अभी यहां से यहां पे इसकी इनिशियल पोजीशन आपका, इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस टॉय कार इज हियर, और थोड़ी देर में आपका ना ये कार यहां पे आपका पहुंच जाती है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज प्लेस ए दिस इज प्लेस बी
Suppose this is the distance which it has traveled. That is S. उस समय आपका work done is equal to आपका क्या हो जाएगा? F cos theta into S. Theta is equal to आपका now 30 degree हो सकता है. Theta is equal to आपका 45 degree हो सकता है. Theta is equal to आपका 60 degree हो सकता है. अब आपका देखो, आप 9th के बच्चे हैं. Cos 30 degree की value जो होगी root 3 by 2 होती है. जो sin 60 की value होती है. अब next year आपका पहले ये देखो, आप देखिए ना, हर चीज में ना पेरेंट्स चाहता है, ना सरकार चाहती है, ना आपके स्कूल टीचर चाहते हैं पढ़ाने के लिए. नहीं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री 2002 से पहले 9th में थी. 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस एक साथ चलती है, आपका कंसेक्यूटिवली सिमिलर वे में चलते थे. आज पता नहीं 9th में क्या पढ़ रहा है बच्चा, 10th में क्या पढ़ रहा है, 11th में क्या पढ़ रहा है, 12th में क्या पढ़ रहा है. 11th 12th में 12-12, 13-13 चैप्टर हटा दिए. उसके बाद बच्चे की आपके नाम 95% 100% आ रही है और उसके बाद वो बेरोजगार है. बड़ी शर्म की बात है ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए. तो ये cos 30 की वैल्यू ये हो गई. देखो cos 45 की वैल्यू आपका देखो ये 1 upon root 2 हो गई और cos 60 की वैल्यू आपका देखो 1 by 2. ये आपको पता होनी चाहिए. sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती. cos 30 और sin 60 की वैल्यू, cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, याद रखिए. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड. क्लियर हो गया? अब इसमें देखिएगा, इसमें कई चीजें हैं. आइए अब ये हो सकता है कि ये जो बच्चे की टॉय कार है इसमें ये थ्रेड अगर बच्चे ने ऐसे खड़ी कर दी, ऐसे खड़ी कर ऐसे, तो अब आपका ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका देखो और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है पाप फोर्स, इसमें देखो आपका ये 90 डिग्री बन गया. और cos 90 डिग्री जो sin 0 की वैल्यू होती है when the force acts at a right angle to the direction of motion of a body, then angle theta in between of direction of motion and the direction of force, ये आपका क्या हो जाएगा 90 degree, right angle हो गया. और right angle cos 90 की value आपकी क्या होगी 0. So the component of force जो F cos 90 degree है acting on the direction of displacement becomes 0. जो आप अभी कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट वो बिकम्स जीरो हो गया. हैज द वर्क डन आल्सो बिकम्स जीरो. आप देखो यहां पे मैथ वाले तो वर्क इज इक्वल आपका एफ cos 90 cos 90 हो गया. देखो cos 90 into s बाकी तो छोड़ दीजिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो देखो ये एफ into cos 90 0 into s और जीरो से बड़े-बड़े करोड़पति लखपतियों को भी जीरो कर जीरो हो जाता है. मींस एनी नंबर any variable which is going to be multiplied with the zero, so now it becomes आपका zero. ठीक हो गया? इससे जो आपका result निकल के आया वो क्या आया कि when displacement of a body is perpendicular means 90 degree, so to the direction of force no work is done. आप इस कार को यहाँ से यहाँ तक ले आई, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ cos 90 इट बिकम्स जीरो. तो जब ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब देखो आपका क्या हो गया कि उसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ. ऐसे ही अ मैन कैरीज अ सूटकेस, अगर कोई आदमी सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल, he does no work in respect of gravity because the force of gravity acts vertically downwards and the angle between the displacement of the suitcase and the direction of force becomes zero. 90 degree ho gaya, becomes zero ka matlab becomes 90 degree aur becomes zero ho gaya. Is that clear? The work done on a body moving in a circular path is also zero. क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं. देखिए अब आपको
सर्कुलर पाथ है। कोई बॉडी को आपका एक बॉडी मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ में, तो मींस द वर्क डन, डी का मतलब टी एच ई वाला है, द वर्क डन डब्ल्यू डी का मतलब वर्क डन ऑन ए बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग चल रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है, इज ऑल्सो जीरो, ये भी आपका जीरो हो जाएगी, जीरो जेड ई आर ओ नहीं करते, ये भी आपका जीरो हो जाएगी। क्यों? कि व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जब आपके सर्कुलर पाथ में आपका जाएगी, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज दो फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, याद रखिएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल, इस रेडियस के अलोंग आपका क्या करेगी, ये काम करेगी, एंड इट इज एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। और अगर ये सपोज करिए यहां से और यहां पहुंच कर देते हैं ए से ये बी पोजिशन पे, इनके बीच में आपका क्या हो रहा, 90 डिग्री आपका हो रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, the work done in a case of earth moving around the sun is also zero, the work done in case of satellites, this is chandrama hai, moon hai, that also revolves around the earth, samajh gaye, your mom is a earth, you are a moon, aap jo apni mummy ke charon taraf aapka koi cheez chahiye na aapko uske liye chakkar lagate hain, उस समय आपका क्या हो जाएगा, सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ इज ऑल्सो जीरो, समझ गए। तो इससे आपका क्या हो गया कि ये डिस्कशन निकलता है कि इट इज पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी में आपका एक्ट कर रहा है, स्टिल द वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है, क्या बोला आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड इफ इट इज राइट एंगल टू मोशन ऑफ द बॉडी तो दैट बिकम्स आपका जीरो। इज इट क्लियर हो गया? कल हम पावर के लिए जाएंगे। हैव ए नाइस नाइस मॉर्निंग टू यू।